तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट बट वन ब्लॉक। तो इसके अंदर हम लोग को एक वन ब्लॉक मिलता है, उसको तोड़ तोड़ के सारा रिसोर्स मिलता है, उससे हम लोग सारा पूरा वर्ल्ड बनाते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं मेरे टाइम पास, लेट्स गो। सो गाइस, ये रहा वन ब्लॉक, और ये क्या, इसने आते ही मेरी मृत्यु निश्चित कर दी एक बार में। तो गाइस, मेरी मृत्यु हो चुकी है। तो हाँ, तो अगर इसके नीचे गिर जाएंगे तो हम लोग मर जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक लगा दिया जिससे मैं तोड़ तोड़ के इससे ब्लॉक ले सकूँ। तो हमारा पहला फेस है फॉरेस्ट लेवल वन, यानी कि इसके अंदर पूरे 10 लेवल है। उसके अंदर अलग अलग बायोम की चीज़ें मिलने वाली है। तो हमारे लोग का पहला बायोम चल रहा है, उसके अंदर मेरे को ये नॉर्मल चीज़ें मिल रही, जैसे कि नॉर्मल चीज़ें मिलती है प्लेन्स बायोम में, वही सब मिल रहा है। जैसे पम्पकिन मिल रहा है मेरे को, ग्रास ब्लॉक मिल रहा है और वुड वगैरह मिल रहा है। तो कहते मेरे को ऐसे ही बहुत सारे रिसोर्स कलेक्ट करना है और एक बहुत तगड़ा सा बेस बनाना है। तो अभी हम लोग शुरुआत में तो हम लोग छोटा सा ही बेस बनाने वाले हैं, लेकिन आगे वाले एपिसोड में कुछ ज़्यादा अच्छा एपिसोड बनाने वाले हैं। तो जल्दी से हम प्रोग्रेस शुरू करते हैं। सो गाइस, बहुत देर तक हाथ से तोड़ने के बाद मुझे एक पिकैक्स और एक एक्स बना लेनी चाहिए। तो जल्दी से हम लोग बनाते हैं उसको। तो मैंने यहाँ पे लकड़ी बना ली है, मतलब स्टिक बना ली है। तो यहाँ पे जो ये थे वो थोड़ी सी बाउंड्री मैं बड़ी कर लेता हूँ, जो अपना एरिया है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जिससे में थोड़ा सा जगह ज़्यादा हो जाएगी, जिससे गिरने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। तो मेरे पास कुल मिला के इतनी दर्द थी, तो मैंने इतना कर दिया है। तो आगे मैं बाद में करने वाला हूँ। सो गाइस, अभी हम लोग थोड़े से और लकड़ियाँ तोड़ते हैं और देखते हैं क्या इसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ मिलती है या फिर नहीं। तो गाइस, फाइनली एक चेस्ट मिला है जिसके अंदर हम लोग को नॉर्मल चीज़ें मिली है, लाइक नॉर्मली चीज़ें हैं। तो कहते हैं अभी मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाने वाला हूँ इसकी। तो गाइस, मैंने बहुत देर तक का मजदूरी करी है और अब जाके मेरे को एक सुपर चेस्ट जिसके अंदर मेरे को डायमंड मिल गया। ओ भाई साहब, मेरे को पहले दिन ही डायमंड मिल चुका है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी मेरे को इस डायमंड को संभाल कर रखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक अच्छी सी एरिया बनाऊंगा, वहाँ पर मैं इस डायमंड को संभाल के रखने वाला हूँ। फिलहाल मैंने यहाँ पे दो सैपलिंग लगा दिए हैं और अभी मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा एरिया बना देता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं अपनी चेस्ट को लगा देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे चेस्ट लगा दिया और उसके अंदर अपना डायमंड भी डाल दिया। तो अभी हम लोग अपना वो क्या कहते हैं इसको, ब्लॉक तोड़ना शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं अपने एरिया को थोड़ा सा और बड़ा करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्लैब बना दिए हैं जिससे मैं इस एरिया को बहुत ज़्यादा बड़ा करने वाला हूँ। लेट्स गो, एरिया को बढ़ाना शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो हमारा पहला एनिमल हम लोग को मिल चुका है इस देर बाद। तो ये इसका नाम है सुअर। अरे इसका नाम तो पता ही होगा आपको, क्योंकि मैं इसका अलग नाम रख सकता हूँ अगर आप लोग कहो तो। अगर आप लोग कमेंट्स में बताएंगे तो मैं इसका नाम चेंज करके वो नाम रख दूंगा, लेकिन उसके लिए नेम टैग होना चाहिए, उसके पास नहीं है। तो अभी तो गाइस, फाइनली सुबह हो चुकी है। इतनी देर तक रात में मेहनत करने के बाद तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं रहता था, बारिश भी हो रही है और मेरे को अच्छी चीज़ मिल चुकी है, वाटर बकेट, आइस ब्लॉक और भी चीज़ें मिली हैं। अंडरग्राउंड का लेवल 2 आ चुका है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो चुकी है। तो गाइस, मैं अपने रेयर वाले चेस्ट में इन सब चीज़ों को भी डाल देता हूँ। ये क्या घटिया चीज़ें डाल दी है, डर्ट वगैरह, तो ये भी रेयर है इस वर्ल्ड के लिए। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगले वाले वीडियो के अंदर मैं एक अच्छी चीज़, अच्छे सा घर बनाऊंगा, और आप लोग कमेंट कर देना मैं किस टाइप का घर बनाऊं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो बाय बाय।